हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे जान सकते हो कि आपका फ़ोन कौन कौन अनलॉक करने की कोशिश करता है विदाउट आपकी परमिशन। और जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ, वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर बैन है। गाइस, ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है और एकदम सेफ़ है, आप इसे यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये गाइस, हमारी आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिए। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो ये स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखता है। आप लोगों को मैं इस एप्लीकेशन की खासियत बता देता हूँ। अगर कोई आपका फ़ोन विदाउट आपकी परमिशन अनलॉक करने की कोशिश करता है तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाता है और सामने वाले की फ़ोटो क्लिक हो जाती है और वो फ़ोटो आपको आपके जीमेल आईडी पे भी सेंड हो जाएगी और आपके गैलरी में भी वो फ़ोटो आपको मिल जाएगी। और जैसे आप अपना फ़ोन ओपन करेंगे, जैसे ही अपना लॉक खोलेंगे, वैसे आपको ऊपर भी नोटिफिकेशन शो करेगा इस एप्लीकेशन का कि किस किसने आपको आपके फ़ोन को विदाउट आपके परमिशन ओपन करने की कोशिश की है। उससे आपको फ़ोटो मिल जाएगी उस इंसान की जो आपका फ़ोन अनलॉक करने की कोशिश करता है विदाउट आपकी परमिशन। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ उसका सेटअप कैसे करना है अपने फ़ोन में। आपको इस एरो के आइकन पर क्लिक करना है पहले, तो उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आप सेट कर सकते हो कि कितने अटैम्प्ट में पता लगे आपको, कि कितने अटैम्प्ट में कितने बार ही आपका पैटर्न लॉक होने पे पता लगे कि किसी ने आपका फ़ोन ओपन करने की कोशिश की थी। तो मैं पहले अटैम्प्ट पे डाल देता हूँ, फिर यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ मैं। फिर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा जीमेल आईडी के लिए कि आप इसे जीमेल से कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से एक्टिव नाउ पर क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ से स्किप कर दीजिए। फिर यहाँ से आपसे परमिशन मांगे, आपको इन तीनों परमिशन को अलाउ कर देना है। फिर यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है सिंपली, जैसा कि मैं दिखा देता हूँ। वेट करते थोड़ा। गाइस, आपके सेटिंग में आपको यहाँ से इसे क्रूक कैचर को यहाँ से यस कर देना है, जैसे कि ये अभी ऑफ है तो इसे यहाँ से ऑन कर देना है। उसके बाद आपको बैक चले जाना है अपनी सेटिंग में वापस, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। वेट करते थोड़ा। परमिशंस को अलाउ करने के बाद गाइस, आपको ऐसा कुछ दिखेगा यहाँ पर इंटरफेस, जैसे कि ट्राई नाउ और दूसरा टेक मी टू द ऐप, ठीक है। तो यहाँ से आप ट्राई नाउ पे क्लिक करके इसे ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे कि आप ट्राइट नाउ पे क्लिक करेंगे तो ऐसे आपका फ़ोन का स्क्रीन लॉक हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको ट्राई करने के लिए बोला जाएगा, आप कोई सा भी रॉन्ग पासवर्ड या पैटर्न ट्राई करके देख सकते हैं, आपकी फ़ोटो क्लिक हो जाएगी, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वेट करते थोड़ा। ऐसे जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे फ़ोन का स्क्रीन ऑफ हो गया, मैं अभी इसे ऑन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। वेट करते थोड़ा सा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं कोई सा भी रॉन्ग पासवर्ड इसमें डाल देता हूँ। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरी फोटो क्लिक हो गई और यहाँ पर डेट और टाइम दोनों शो कर रहा है कि किस डेट पे किस टाइम पे मैंने अपने फ़ोन को अनलॉक करने की कोशिश की थी। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता देता हूँ एप्लीकेशन आपको कैसे डाउनलोड करनी है और कहाँ से डाउनलोड करनी है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर तो मिलेगी नहीं, तो आइए मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का प्रोसेस। आपको अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करना है और सर्च बार में आपको टाइप करना है क्रूक कैचर, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसके रिजल्ट्स। जैसे कि गाइस, आप लोग देख सकते हैं, आपको यहाँ सबसे पहले वाली लिंक पे क्लिक करना है। पहली वाली वेबसाइट पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आपको यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसे सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस एप्लीकेशन की एमबी देख सकते हैं, मतलब एप्लीकेशन देख सकते हैं कितने एमबी की, सिर्फ ये 3.3 MB की। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसे। और अगर गाइस आप लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करने में कोई दिक्कत होती है तो मैं इस एप्लीकेशन का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहो तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी। थैंक्स अगेन, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।